नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। कृषि मंत्री ने हाल ही में तीनों कृषि कानूनों को वापस ना लेने की बात कही थी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन को दोबारा खड़ा करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय किसान यूनियन ने सभी छोटे बड़े संगठनों से कहा है कि वे दिल्ली बॉर्डर पहुंचे। इसी के तहत यूपी बॉर्डर पर किसान जुटना भी शुरू हो गए हैं। 25 जून तक बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना है। 26 जून को किसान मार्च निकालेंगे, लेकिन दिल्ली सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। इसे देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने के लिए किसानों ने रणनीति बनाई है। BKU ने गांव से किसानों को यूपी बॉर्डर पर पहुंचने को कहा है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन 26 जून को दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, लेकिन मार्च दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा। 24 जून को किसानों के ट्रैक्टर यूपी बॉर्डर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि यूपी गेट के अलावा अन्य मोर्चों पर भी किसान ट्रैक्टर के साथ पहुंचेंगे। पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए यूपी गेट पहुंच रहे हैं। सहारनपुर से करीब 400 किसान ट्रैक्टरों के साथ बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं। इस संबंध में SPCT सेकंड ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा है कि बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। किसानों का कहना है कि कृषि कानून के विरोध में 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुन ही नहीं रही। अब किसान 3 साल की तैयारी कर रहे हैं। 3 साल में किसान अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे। आगे की लड़ाई के लिए भी किसान तैयार हैं। और किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा।